सो है गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि MI Redmi कॉल एंडेड प्रॉब्लम कैसे ठीक करें। किसी का भी कॉल फ़ोन नहीं लग रहा है, मतलब कि किसी के बंदे या बंदी को आप कॉल लगाना चाहते हो और कॉल लगाते समय आपको क्या होता है कि ऑटोमेटिक कॉल मतलब कि कट जाता है। तो गाइस, उस प्रॉब्लम का सलूशन आप किस तरीके से कर सकते हो, वो पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। तो गाइस, वीडियो को एंड तक देखना, और गाइस अगर आप हमारे चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। तो गाइस, यहाँ पर आपको मतलब कि MI Redmi कॉल एंडेड प्रॉब्लम कैसे ठीक कर सकते हो वो बताने वाला हूँ आज के इस टॉपिक में। तो गाइस, वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को पूरा देखना, तो गाइस आपके पूरा समझ में आ जाएगा। तो गाइस, यहाँ पर आपको करना क्या है, आपके मोबाइल की जो मेन सेटिंग है उसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस शो हो जाएगा। तो गाइस, इसमें आपको करना क्या है, डुबल सिम्स एंड मोबाइल नेटवर्क वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस शो हो जाएगा। तो गाइस, यहाँ पर आपको जैसे कि आप सिम वन से किसी बंदे या बंदी को कॉल लगा रहे हो उसमें ये प्रॉब्लम आ रही है, तो गाइस सिम वन पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस हो जाएगा। तो गाइस, यहाँ पर आपको नेटवर्क मोड का एक ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऑटो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, जैसे कि 4G 3G 2G परफेक्ट नेटवर्क वाले ऑप्शन पर। जैसे कि मतलब कि आप मतलब कि कहीं नेटवर्क कम आता है, 2G का आता है, 3G का आता है या 4G का आता है, तो गाइस वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। और गाइज, इसके बाद आता है वाईफाई कॉलिंग। तो गाइज, इस पर आपको क्लिक करके ये आपके ऑफ होगा, तो गाइज इसे आपको ऑन कर देना है। इसके बाद आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको करियर का एक ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन होगा, जो ऑफ होगा तो गाइज इसे आपको ऑन कर देना है। तो गाइज, ये ऑटोमेटिक ही आपको मतलब कि आपके जो भी मतलब कि पॉइंट होगा उसे मतलब कि ये कर देगा। एक्सेस पॉइंट वाले मतलब सेकंड उसके बाद आता है एक्सेस पॉइंट नेम, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद रीसेट टू डिफ़ॉल्ट, इस पर क्लिक कर देना है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर इसके बाद भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो, फिर भी ये प्रॉब्लम आ रही है, तो गाइज यहाँ पर आपको करना क्या है कि नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, और गाइज यहाँ पर सिस्टम मैनेजमेंट का एक ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, तो गाइज यहाँ पर बैकअप एंड रीसेट का ऑप्शन मिल जाएगा, तो गाइज उस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर रीसेट नेटवर्क सेटिंग, रीसेट ऑल सेटिंग, रीसेट एरियर ऑल डाटा, मतलब कि आपको करना क्या है कि रीसेट मतलब पूरा मोबाइल को रीसेट नहीं करना है। आपको क्या करना है कि रीसेट ऑल सेटिंग वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है, और गाइज यहाँ पर जो भी आपके पैटर्न है स्क्रीन लॉक का वो यहाँ पर डाल देना है। और गाइज यहाँ पर मतलब कि आपको मोबाइल की जो सारी सेटिंग है वो रीसेट कर देनी है, आपकी प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगी। तो गाइज, ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी, वीडियो नॉलेज को लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।